देश के वर्तमान और भविष्य दोनों को कदम दर कदम कर्मबद्ध सिलसिले से सुरक्षित बनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं। कोविड 19 के कारण अपने अभिभावकों को खो चुके बच्चों के लिए पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना प्रधानमंत्री का राष्ट्र के प्रति समर्पित एक कल्याणकारी निर्णय है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि ये निर्णय प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता और दूरदर्शिता को दर्शाता है। इस कल्याणकारी निर्णय से न सिर्फ मासूम बच्चों की सहायता की जा सकेगी बल्कि इस कठिन समय में उनके मनोबल को भी बढ़ाया जाएगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने केंद्र की एनडीए सरकार के 7 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर भी प्रधानमंत्री को बधाई दी और कहा कि इन 7 वर्षों में देश के विकास की दर बढ़ी है और तीव्र गति से देश आगे बढ़ा है। आज पूरे विश्व में भारत को एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम केयर फंड के उपयोग पर सवाल उठाने वाले लोगों को इस योजना की जानकारी नहीं है। ये निर्णय देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को राजनीतिक सीख देता है कि कठिन समय में भी मोदी सरकार ने वोट पॉलिटिक्स नहीं बल्कि देश के भविष्य को सुरक्षित करना ज्यादा महत्वपूर्ण समझा है। पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के लिए पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया और इस निर्णय को ऐतिहासिक निर्णय करार दिया। उन्होंने कहा कि कोविड से प्रभावित बच्चों की सहायता और सशक्तिकरण के लिए पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसमें बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था का तो प्रावधान है, साथ ही 18 वर्ष की आयु से अगले 5 वर्षों तक उच्च शिक्षा की अवधि के दौरान उन बच्चों को मासिक वित्तीय सहायता छात्रवृत्ति भी दी जाएगी और 23 वर्ष की आयु पूरा होने पर उसे व्यक्तिगत और व्यवसायिक उपयोग के लिए 10 लाख की राशि भी दी जाएगी, जो कि एक सराहनीय कदम है। कोरोना की महामारी के कारण देश भर में बहुत से बच्चे अनाथ हो गए, जिनके दोनों माँ बाप इस बीमारी की भेंट चढ़ गए। अब उनका सहारा कौन बने? ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल जो निर्णय लिया है कि कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों की रक्षा वो करेंगे, उनके हितों का ख्याल वो रखेंगे और इसके लिए प्रावधान पीएम केयर्स फंड के माध्यम से किया जा रहा है, ये बहुत सराहनीय कदम है। इन बेसहारा बच्चों के जीवन में एक नई आशा, एक नया उत्साह लेके आएगा और उनकी शिक्षा को सुनिश्चित करेगा, उनको स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा और व्यस्त होने पर 10 लाख रुपए और दिया जाएगा ताकि वो अपना कारोबार भी कर सके। और अगर शिक्षा के लिए उनको उच्च शिक्षा के लिए ऋण लेना होगा तो वो उस ऋण लेने में मदद की जाएगी और उस ऋण का ब्याज बैंकों को पीएम केयर फंड से चुकाया जाएगा। ये बहुत ही सराहनीय कदम है। प्रधानमंत्री का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने केंद्र की एनडीए सरकार के 7 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने पर प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि इन 7 वर्षों में देश के विकास की दर बढ़ी है और तीव्र गति से देश आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज दूसरों पर भारत निर्भर नहीं है बल्कि भारत दूसरे देशों को सहारा देने वाला राष्ट्र बन गया है। प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि विशेष करके कोरोना काल के दौरान जिस एकजुटता के साथ सरकार ने इस महामारी के अंदर लोगों के साथ मिलकर काम किया है वो सराहनीय है। आज 30 मई के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार अपना 7 साल का लगातार कार्यकाल पूरा कर रही है। ये 7 वर्ष उपलब्धियों भरे रहे हैं, जिसमें देश ने अनेकों चुनौतियों का सामना उनके नेतृत्व में किया और हर चुनौती पर सफलता पाई है। देश के विकास की दर बढ़ी है, तीव्र गति से देश आगे बढ़ा है। आज भारत एक सम्मानजनक स्थान विश्व में प्राप्त किए हुए है। आज दूसरों पर निर्भर नहीं बल्कि दूसरों को सहारा देने वाला राष्ट्र भी बन गया है और इसी कालखंड में बहुत ऐतिहासिक निर्णय हुए, चाहे देश की सुरक्षा की बात हो, रक्षा की बात हो, आंतरिक और बाह्य चुनौतियों का सामना करने की बात हो, चाहे उरी जैसा
सर्जिकल स्ट्राइक करना पड़ा हो, चाहे बालाकोट में एयर स्ट्राइक करना पड़ा हो, चाहे चीन का मुकाबला करना पड़ा हो सरहद के ऊपर, और चाहे 370 खत्म करने की बात थी, 35A खत्म करने की बात थी, 3 तलाक की प्रथा को खत्म करने की बात थी, और देश के विकास को गति देने की बात थी, हर स्तर पर मोदी सरकार सफल रही है। और विशेष करके कोरोना के एक दौरान जिस एकजुटता के साथ सरकार ने इस महामारी का मुकाबला किया है लोगों के साथ मिलकर, वो सराहनीय है। कुछ शक्तियां देश के अंदर भी विरोध कर रही हैं, उनको समझ लेना चाहिए कि जब आपत्ति आती है सब सारा देश इकट्ठा होना चाहिए, सारे देश को इकट्ठे होकर उसका सामना करना चाहिए। ऐसे में टांग खिंचाई करने का काम निंदनीय है। हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि आओ सब मिलें जुटें, सारी बीमारियों का सामना करें।